मुंबई के आशीष कुलकर्णी जॉब इंटरव्यू से सीधा पहुंचे ऑडिशन में और जीत लिया सबका दिल। नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड झमेला। तो जब से टीवी पर आने वाले सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के ट्रेलर आने शुरू हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से इंडियन आइडल टीआरपी के सभी रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है, क्योंकि सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे से हटके हैं। एक जहां सूफी गायकी में झंडे गाड़ा है, वहीं दूसरा बिल्कुल उलट बॉलीवुड रंग चढ़ाकर आया है। अब ऑडिशन राउंड में पहुंचे पुणे के रहने वाले आशीष कुलकर्णी। वो बिल्कुल फॉर्मल्स में आए थे, एक लैपटॉप बैग लेकर, जिन्हें देखकर तो ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इंडियन आइडल के ऑडिशन देने आए हों। जजेस के पूछने पर वो बताते हैं कि मैं यहाँ ऑडिशन से सीधा मुंबई में एक जॉब इंटरव्यू के लिए ही जाऊंगा। तो इस पर विशाल ददलानी कहते हैं, वाह कमाल के मल्टीटास्कर हो आप तो। उसके बाद उनकी ऑडिशन परफॉर्मेंस शुरू हुई। उन्होंने फिल्म जाने तू या जाने ना से गीत कभी कभी आदिति गाया। जजेस को उनकी गायकी अच्छी लगी। जज विशाल ने कहा कि तुम्हारी आवाज फ्रेश है, अच्छी है। इस तरह ये एक और परफॉर्मेंस शानदार रही और ये भी शायद टॉप 12 का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि ये भी कपिल शर्मा के शो में आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? आपकी राय हमें नीचे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। शुक्रिया।